सो गाइस हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं नारायणी नदी के बांध पे। नेपाल से निकलती है तो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज का ब्लॉग कुछ इस टॉपिक पे होने वाला है कि अभी हम लोग जा रहे हैं नदी देखने, जिस नदी का नाम है नारायणी नदी। तो गाइस चलिए आप लोग को दिखाते हैं आज का ब्लॉग, हमारे ब्लॉग में बने रहिए, आप लोग को दिखाते हैं। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं महाकाल चौक पे। तो यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर का दूरी पे है नदी। चलिए आप लोग को दिखाते हैं नदी का सीन। सो गाइस हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं नारायणी नदी के बांध पे। तो इधर है नारायणी नदी का रास्ता और हम लोग इधर से आए हैं। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं नारायणी नदी अंदर की ओर जाके। तो चलिए हमारे ब्लॉग में बने रहिए, आप लोगों को दिखाते हैं अंदर की ओर। हम लोग आ चुके हैं नदी के पास। ये है हमारे बिहार का नारायणी नदी। तो देख सकते हैं पानी काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। ये नदी नेपाल से निकलती है और इधर रेवा होते हुए पटना के गंगा नदी में जाके मिल जाती है। गाइज हम लोग अभी यहाँ से जा रहे हैं, हम लोग को अभी जाना है जो यहाँ से साड़े एरिया में पानी जाता है उसके केवाड़ा जो होता है उसी के पास हम लोग जा रहे हैं अभी। तो हमारे ब्लॉग में बने रहिए। तो गाइज हम लोग पहुँच चुके हैं केवाड़ा के पास। यही है वो केवाड़ा, चलिए आप लोग को दिखाते हैं बैक कैमरे से केवाड़ा का नज़ारा। तो गाइस देख सकते हैं वो लड़का ऊपर केवाड़ा के ऊपर चढ़ा हुआ है। तो देख सकते हैं काफ़ी बड़ा बड़ा यहाँ पे नट लगाया गया है ताकि कोई दूसरा कोई नहीं खोल सके। यहाँ पे ताला भी लगाया गया है। तो ये देखिए इधर से आता है नारायणी नदी का पानी और इधर से होकर जाता है इधर सारे चौर में।